गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सेकेंड। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 12 ऑफ आर इंग्लिश चैनल बुक अ न्यू होम। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट वाटर इज वैल्यूएबल फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन। वाटर इज वेरी प्रीशियस एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर human, plants and animals. So let's start. Rearrange the letter to find three things that all people, bird, animals and plants need to live. First is R-A-I. We have to arrange it properly. A-I-R, air. Next is O-D-O-F. F double O D food. Next is T A W E R. This is W A T E R. So air, food and water is necessary for people, birds, animals and plants to live. Start the chapter. Amit, Uma and Smita are in बेड। अमित, उमा एंड स्मिथा जो थे वो बेड पर थे। दे आर वेटिंग फॉर मदर टू रीड देम अ बेड टाइम स्टोरी। वो अपनी मम्मा की वेट कर रहे थे कि वो उनको एक बेड टाइम स्टोरी सुनाएंगे। मदर कम्स इन विद द बिग ब्यूटीफुल पिक्चर एंड स्टोरी बुक। उनकी मम्मा जो है एक बिग बड़ी सी सुंदर सी पिक्चर वाली स्टोरी बुक लेकर अंदर आती है। Well, what do you want to hear today? A story about people or one about animals? Ask mother. तो उसकी मम्मा उनसे पूछती है कि आप कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करोगे? A story about people, people के बारे में स्टोरी या फिर animals के बारे में? Tell us a story about animals, says Smita. तो स्मिथा आंसर देती है कि हमें आप एक एनिमल्स के बारे में स्टोरी सुनाओ। मदर स्माइल्स एंड सेज ऑल राइट लिसन टू दिस स्टोरी अबाउट फादर टोडी एंड हिज बेबीज। तो उसकी मम्मा उनकी मम्मा उनको स्माइल देकर कहती है ठीक है तो अब मैं आपको फादर टोडी एंड उनके बेबीज की बारे में एक स्टोरी सुनाऊंगी। फादर टोडी वॉज अ काइंड एंड क्लेवर टॉड। टॉड इज अ फ्रॉग। तो जो फादर टोडी थे वो दयालु और चलाक थे। ही लुक्ड आफ्टर हिज चिल्ड्रन वेल। वो अपने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से करते थे। ही हैड मैनी मैनी चिल्ड्रन। उनके बहुत सारे बच्चे थे। वेन दे वर बॉर्न मदर टोडी पुट द बेबी टैडपॉल्स इन अ पॉन्ड। जब उनका बर्थ होता है तो उसके बाद जो मदर टोडी है वो सब टैडपोल, टैडपोल इज द बेबी ऑफ फ्रॉग, तो वो सब टैडपोल्स को जो है एक पॉन्ड में छोड़ देते हैं। टैडपोल ग्रोज अप टू बी टोड्स ओनली व्हेन दे लिव इन वाटर। तो टैडपोल्स तभी ग्रो करते हैं जब वो वाटर के अंदर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट। समर हैड कम एंड इट वॉज वेरी हॉट। गर्मियों का मौसम था और बहुत ज्यादा गर्मी थी। द वॉटर इन द पॉन्ड वॉज ड्राइंग अप एंड एवरी डे देयर वॉज लेस वॉटर इन द पॉन्ड। गर्मी की वजह से पॉन्ड का जो वॉटर है वो ड्राई होता जा रहा था एंड पॉन्ड में वॉटर जो है कम, लेस मीन्स कम, कम हो गया था। सून द टेडपोल्स डिड नॉट हैव इनफ वॉटर टू स्विम इन। जल्दी ही जो टैडपोल्स हैं उनको वहां पे पॉन्ड में स्विमिंग करने के लिए वाटर जो है कम पड़ रहा था। फादर टोडी न्यू दैट ही हैड टू डू समथिंग क्विकली और द टैडपोल्स वुड बी इन डेंजर। जो फादर टोडी थे उनको पता था कि जहां तो उनको जल्दी से कुछ करना पड़ेगा अदरवाइज जो टैडपोल उनके बेबीज हैं वो ट्रबल में आ जाएंगे। द पॉन्ड हैड अ लेक बिसाइड इट। पॉन्ड के साथ ही एक लेक थी, झील थी। द लेक वॉज बिगर एंड हैड मोर वॉटर। जो लेक थी वो बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत ज्यादा पानी था।
His babies would be safe in the lake. तो जो फादर टोडी है वो सोचते हैं कि उस लेक में उसके बेबीज जो है वो सेफ रहेंगे. सो फादर टोडी स्टार्टेड डिगिंग थ्रू द वॉल ऑफ सैंड बिटवीन द पॉन्ड एंड द लेक. सो फादर टोडी थे वो जो उन दोनों के बीच में एक वॉल थी उसको डिग करना स्टार्ट करते हैं. ही वर्क वेरी हार्ड एंड डग विद हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स. तो वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और अपनी लेग्स के साथ उस वॉल को डग उसको वॉल में एक होल करने की ट्राई करते हैं. ही फाइनली मेड अ होल इन द वॉल बिटवीन द टू. फाइनली लास्ट में क्या है वो जो उस वॉल उन दोनों के बीच में एक वॉल थी उसमें एक होल कर देते हैं. नाउ द लेक एंड द पॉन्ड वर जॉइंड बाय अ होल इन द वॉल बट द टैडपोल डिड नॉट नो द वे टू द लेक. अब फादर टोडी ने लेक और पॉन्ड के बीच में एक होल तो कर दिया था बट जो टैडपोल्स थे जो उनके बेबीज थे तो उनको लेक में जाने का वे नहीं पता था. उनको नहीं पता था कि लेक में किधर से जाना है. फादर टोडी न्यू ही हैड टू शो देम द वे. तो फादर टोडी को पता था कि उसको बेबीज को लेक में जाने का रास्ता बताना पड़ेगा. सो ही जेंटली पुश टू और थ्री टैडपोल्स थ्रू द होल. तो वो फिर बड़े आराम से टू और थ्री टैडपोल्स को उस होल के थ्रू लेक में पुश करते हैं. दे स्वैम हैप्पीली इनटू द लेक. देन ही शोड द रेस्ट ऑफ हिज बेबीज द वे टू द लेक. जब वो टू थ्री बेबीज वहां पे हैप्पीली स्विम कर रहे होते हैं तो फादर टोडी बाकी बेबीज को भी उस लेक में भेज देते हैं. सून फादर एंड मदर टोडी एंड ऑल दियर बेबीज वर सेफली इन द लेक. फॉर वन बाय वन फादर मदर एंड बेबीज दे वर ऑल सेफ इन the lake now. And so mother ends the story and children are very happy. So इस तरह से उनकी mother story का end करते हैं और जो children है वो बहुत happy थे. वो story सुनने के बाद बहुत खुश थे. Amit asks, do animals also need water mother? तो फिर बाद में अमित अपने मामा से question करता है कि animals को भी water की जरूरत होती है. Mother says, yes Amit. मदर आंसर देती है यस अमित एवरीवन नीड्स वाटर ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स. वाटर इज वेरी प्रीशियस वी मस्ट यूज इट केयरफुली. सो उनकी मम्मा कहती हैं ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स सबके लिए जो वाटर है वो इम्पॉर्टेंट होता है. सो वी मस्ट यूज इट केयरफुली. हमें वाटर को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. So students, what you had learned from this chapter? We learned that water is very precious for human, animals and birds. So we should save water.